कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल हील लाइफ पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद। ध्यान। आज हम ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में सुविधापूर्वक बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर एवं गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। शरीर तनाव मुक्त, सीधा मगर ढीला, स्थिरता का अनुभव करें। ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान सरल एवं महानतम यौगिक अभ्यास है। शरीर को स्थिर करने के पश्चात इंद्रियों का बाह्य वस्तुओं से, विषयों से संपर्क तोड़ना ध्यान है। मन का संग नाशवान वस्तुओं, परिस्थितियों एवं विषयों से हटा देना और मन को अपने मूल स्वभाव में स्थिर करना ध्यान है। बुद्धि को तटस्थ करना ध्यान है। अपने भीतर झांकना, भीतर की यात्रा करना ध्यान है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ध्यान है। ध्यान वास्तव में अंतर यात्रा है, आत्म अनुसंधान है, चित्त की निर्विकार अवस्था है। जब मन शांत होता है तो ध्यान लगता है। शांत मन ध्यान की कुंजी है। ध्यान से खुलता है परमानंद का दरवाजा और यह दरवाजा हमें मोक्ष के द्वार पर लाकर परम से जोड़ देता है, जिसे भगवान कृष्ण गीता में मुझे प्राप्त होना कहते हैं। मन कैसे शांत होगा? असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। मन चंचल और कठिनता से वश होने वाला है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे शांत करना आसान है। हम चाहे जितनी भी संसार में सुविधाएं प्राप्त कर लें, एक बेचैनी अशांति बनी रहती है। इसका कारण है हम सब परमात्मा से आए हैं। जब तक वहां पहुंच नहीं जाएंगे, बेचैनी बनी रहेगी। ध्यान माध्यम है अपने अंतरतम की गहराइयों में प्रवेश करने का, जहां वास है जीवन स्रोत का, परम शांति का, आनंद का, ज्ञान का, प्रकाश का। यही आत्मा है, यही परमात्मा है। नियमित ध्यान के अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है। संसार की घटनाएं सुख दुख विचलित नहीं कर पाते। विवेक शक्ति का उदय हो जाता है। मस्तिष्क की सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ध्यान की अवस्था में हमारे शरीर और मन में कई क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। शरीर और मन के तनाव कम होना, हृदय गति का धीमा पड़ना, ऑक्सीजन के खपत का कम होना, मेटाबॉलिज्म क्रिया में कमी होना, मस्तिष्क में अल्फा तरंगें पैदा होना जो शांति और आनंद प्रदान करती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण
ध्यान हमें अपने परम तक लेकर जाता है, हमारे वास्तविक स्वरूप तक, जो मेरे ही भीतर है आत्म के रूप में, उसके दर्शन करवा देता है। वास्तव में ध्यान माध्यम है अपने परमात्मा के दर्शन करने का। तो आइए ध्यान का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम ओम प्रणव मंत्र का जाप करेंगे। ओम का मंत्र विश्व का महानतम मंत्र है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय ने भगवान आशुतोष अर्थात शिव को ओम का अर्थ समझाया। संसार की सारी भाषाओं की सारी ध्वनियां, चाहे वे स्वर हों या व्यंजन, ओंकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसीलिए ओम विशिष्ट वैश्विक भाषा है। तीन मात्राओं से बना ओम भी शांति और निशब्दता से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। इसलिए ओंकार के उच्चारण के अंतराल के बीच की निशब्दता निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतीक है। ओम के उच्चारण का अभ्यास करेंगे। एक एक के अनुपात में श्वास भरें। Oh.
शांत अपने श्वासों पर ध्यान को लेकर जाएं। श्वास प्रश्वास की दृष्टा बन जाइए। श्वासों को आता और जाता हुआ देखें। हर श्वास के साथ मानसिक प्रणव मंत्र का जाप। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अजपा जप, निरंतर ओम का जाप मेरे मन के भीतर चलता रहे। भीतर बाहर ओम की तरंगों को तरंगित होता हुआ देखें। श्वास सूक्ष्म होते जा रहे हैं। सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म। अब श्वासों के आने और जाने का केवल आभास मात्र है। अपने भीतर शांति का अनुभव करते जाएं। देखिए श्वासों के अति सूक्ष्म होने के साथ मेरा मन भी शांत हो गया है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, चले वाते चले चित्तम, प्राण के साथ मेरे मन की गति भी है। श्वासों के अति सूक्ष्म होते होते मेरे विचार भी शांत होने लग गए हैं। अब अपने विचारों के भी दृष्टा बन जाइए। मन के भीतर उठते हुए विचारों को देखें। जिस प्रकार के भी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उनके साक्षी बन जाएं। दूर से विचारों को आता जाता देखें। किसी भी विचार के साथ उलझना नहीं। जिस प्रकार राष्ट्रपति दूर खड़े होकर जाती हुई परेड को सलामी दे देते हैं
उसी प्रकार अपने विचारों को भी बस गुजरता हुआ देखते जाएं। मैं ये विचार नहीं हूं। भाव बनाते जाएं, विचारों की श्रृंखला धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब विचारों की परेड गुजर चुकी है और रह गया है केवल खाली स्थान, केवल शांति, केवल ज्ञान, स्थिरता, प्रकाश। वो अंतरतम स्थान जहां वास है मेरे वास्तविक स्वरूप का। अब ऐसा भाव बनाएं, कल्पना करें स्वयं की, अपने मन को अपने बचपन की ओर लेकर जाएं। देखिए मैं बचपन में कैसा था, मेरा क्या स्वरूप था। अपने चेहरे को याद करें, अपने हाव भाव याद करें। वो भोला सा मासूम चेहरा याद करें। धीरे धीरे स्वयं को बड़ा होता हुआ देखें, अपने यौवन अवस्था में अपने चेहरे को देखें। कितना सुंदर सौम्य चेहरा, मन की चंचलता, मेरे हाव भाव, मेरी प्रसन्नता। धीरे धीरे उस अवस्था से आगे बढ़ें और थोड़ा और बड़ी उम्र में अपने आप को देखें। अब मेरी शादी हो गई है, किस प्रकार का चेहरा है मेरा, कितना सुंदर, कैसा रूप है मेरा। अपनी उस अवस्था को अनुभव करें। देखिए अब अपनी प्रौढ़ावस्था की ओर आए और अपने स्वरूप को देखें, विचारों को देखें, अपने भीतर आए हुए परिवर्तन को अनुभव करें और आगे की यात्रा करते जाएं। अपने वर्तमान समय में अपने स्वरूप को देखिए, मानो आईने में अपने चेहरे को, अपने आप को मैं देख रही हूं। अब कल्पना करें इन सभी अवस्थाओं को मैं जानती हूं, पहचानती हूं। वो कौन है जिसने बचपन, जवानी, बुढ़ापा सभी को देखा है? कौन था जो याद रख रहा है? वो कौन है मेरे भीतर? उसको पहचाने, वही मैं हूं, वही वास्तविक मैं हूं, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है और वही मेरे भीतर मेरी आत्मा है, जिसका कभी नाश नहीं हुआ। वो तीनों कालों में है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। वो तीनों अवस्थाओं में मुझे जानती है, जागृत, स्वप्न,
और सुषुप्ति अवस्था से उठकर भी मुझे कहती है, मैं आज बहुत अच्छी नींद सोई। वो कौन था जो कहता है कि मैं बहुत अच्छी नींद सोया? वो कौन था जो उठकर ये बताता है? कौन जाग रहा था उस समय? वही मेरी आत्मा है। मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी के दर्शन करें। देखते जाएं अपने स्वरूप को मन ही मन, भाव बनाते जाएं। मैं कण कण वासी हर घट में बसा हूं, कही आत्मा मुझको परमात्मा हूं। है कोई जगह वो जहां मैं नहीं हूँ, जहां देखता हूँ वहां मैं ही मैं हूँ। मैं ही था, मैं ही हूँ, रहूंगा। मैं करता हुआ भी कुछ करता नहीं हूँ, मैं जग का हूँ धरता कुछ धरता नहीं हूँ। मैं रचना रचा कर भी रचता नहीं हूँ, समदृष्टि से देखो वहां मैं ही मैं हूँ। मैं ही था, मैं ही हूँ, रहूंगा। मैं बचपन जवानी बुढ़ापा नहीं हूँ, न कटता न गलता न जलता कभी हूँ। अजर हूँ, अमर हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। मैं देखूं सभी को पर दिखता नहीं हूँ। मैं ही था, मैं ही हूँ, रहूंगा। मेरे तत् को जाना है, निज को पहचाना। वो भगवान स्वयं है मुझे जिसने जाना। मैं उसमें, वो मुझ में समाया हुआ है। मैं पहले ही था, प्रकट अब हुआ हूँ। मैं ही था, मैं ही हूँ, रहूंगा। मैं कण कण वासी हर घट में बसा हूँ, कही आत्मा मुझको परमात्मा हूँ। है कोई जगह वो जहाँ मैं नहीं हूँ, जहाँ देखता हूँ वहाँ मैं हूँ। मैं ही था, मैं ही हूँ, रहूंगा। अपने वास्तविक स्वरूप को अपने भीतर जानते हुए, अपने उस परमात्मा को जो साक्षी रूप में मेरे ही भीतर बैठा है, मेरी आत्मा के रूप में, उसको जानते हुए मन में प्रसन्नता का अनुभव करते जाएं। यही ध्यान का लक्ष्य है।
मेरे परम से मेरा मिलन करवा देना। गहरा श्वास भरें, गहरा श्वास छोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों से कोमलता से अपने नेत्रों को स्पर्श करते हुए सहलाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। ध्यान के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।